दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मानस क्लिनिक टैगोर नगर लुधियाना से मैं आपका होस्ट डॉक्टर राजीव गुप्ता और मेरे साथ है डॉक्टर अंशुल महाजन, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट। दोस्तों कैनाबिस पिछले कुछ सालों से काफ़ी चर्चा में रहा है। कैनाबिस, जिसको हम चरस भी बोलते हैं, और अमेरिका के कुछ शहरों के अंदर, कुछ स्टेट्स में जो कैनाबिस की कल्टिवेशन है, कैनाबिस का सेल है और इसका यूज़ जो है वो लीगलाइज हो गया है। और काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर जो सोशल एक्टिविस्ट हैं या कई ग्रुप्स हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं जो कैनाबिस है इसको लीगलाइज करा जाए। कैनाबिस हिंदुस्तान के अंदर, कई कल्चर्स के अंदर बहुत लंबे समय से जो है, जो कैनाबिस, जो भांग या चरस जिसको हम बोलते हैं, वो यूज़ हो रही है। आज हम डॉक्टर अंशुल से डिस्कस करेंगे कि कैनाबिस क्या चीज़ है और कैनाबिस के कारण उनके अपने एक्सपीरियंस में कौन कौन सी जो साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स हैं, जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, जो कैनाबिस से होते हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले वेलकम टू द शो। हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताओ कि जो कैनाबिस है, ये भांग चरस है, ये क्या चीज होती है? देखिए, कैनबिस एक प्रकार का नशीला पदार्थ हो जा है जो कि इंडिया में भी यूज होता है और बाहर के देशों में भी, इसको वर्ल्ड वाइड बोलते हैं, वहां पर भी इस्तेमाल किया जाता है। कैनबिस, ये जो नशीला पदार्थ होता है, एक प्लांट होता है कैनबिस सैटिवा, जिस या फिर इंडियन हेम्प प्लांट बोलते हैं, ये उसमें से निकलता है, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा थोड़ा अभी। बस इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, मेल और फीमेल प्लांट को हम सेपरेट करते हैं। फीमेल प्लांट में हाईएस्ट कंटेंट ऑफ THC होता है, इसमें केमिकल होता है जिसको हम कहते हैं टेट्रा हाइड्रोकैनबिनॉइड, और फ्लावरिंग टॉप जो होता है, फ्लावर का टॉप पे THC हाईएस्ट होता है। इस जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैनबिस होती है, मारिजुआना होता है, हशीश होता है, वीड होता है, हैश ऑयल होता है, इसमें डिफरेंट कंटेंट ऑफ THC होता है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर से बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मारिजुआना जो होता है वो ड्राइड फ्लावरिंग टॉप और लीफ ऑफ प्लांट से बनता है, इसमें THC कंटेंट 0.5% से 5% होता है। हशीश, या जिसको हम हश या चरस के नाम से जानते हैं, ये ड्राइड कैनबिस रेजिन से बनता है, लाइट ब्राउन टू ऑलमोस्ट ब्लैक कलर का होता है और इसमें THC कंटेंट 5-8% होता है। हश ऑयल जो होता है, हशीश या मारिजुआना इन ऑयल से बनता है और इसमें जो THC कंटेंट होता है 15-30% होता है। गांजा, जिसको आम तौर पे हम जानते हैं और आमतौर पर इसका इस्तेमाल भी ज़्यादा होता है, ये बड और फ्लावरिंग टॉप ऑफ फीमेल प्लांट से बनता है। भांग होता है कट एंड ड्राइड लीव्स एंड स्टेम ऑफ द प्लांट्स में। तो वैसे आपने जो हमें बताया कि जो कैनबिस की डिफरेंट वराइटीज़ हैं, जैसे मार्केट में जो हशीश है, भंग है, चरस है, मारिजुआना है, इसके रूप में इसका इस्तेमाल होता है, और डिपेंड करता है कि जो प्रोडक्ट यूज़ होता है उसमें जो THC कंटेंट है क्या है, उसकी क्वालिटी ऑफ कैनबिस क्या है। सी, मैंने भी अपनी प्रैक्टिस में कई बार देखा है कि मरीज़ हमारे पास आते हैं कि होली वाले दिन या किसी और दिन इन्होंने भांग के पकौड़े ले लिए या भांग खा पी ली या चरस ले ली, उसके बाद उसका जो बिहेवियर है तब्दील हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, आप ब्रीफली हमारे दर्शकों को बताओ कि व्हाट आर द कॉमन साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स जो कैनबिस के कारण हो सकते हैं। देखिए, कॉमन साइकियाट्रिक डिसऑर्डर जो कैनबिस के साथ हो सकते हैं, मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले डिसऑर्डर्स बताने से पहले मैं केस डिस्कशन करना चाहूँगा दर्शकों से। कल मेरे पास एक पेशेंट आया, ही वॉज अ यंग बॉय अराउंड 25 ईयर्स ओल्ड। तो उसने बोला, डॉक्टर साहब मैंने एक हफ्ता पहले वीड लिया जो कि कैनबिस का फॉर्म होता है, उसके लेने के बाद से डॉक्टर साहब मेरे में पैनिक अटैक, घबराहट, शरीर में बेचैनी, कमजोरी, रेस्टलेसनेस, मुझे नींद नहीं आ रही है, पैल्पिटेशन, दिल धड़क कर रहा है, मुझे हफ्ते से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो पहला डिसऑर्डर जो एसोसिएट में दर्शकों को बताना चाहूँगा, वह होता है पैनिक डिसऑर्डर या एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जो कैनबिस से प्रेसिपिट हो सकता है। कुछ मरीज जैसे पैरानॉइड से हो जाते हैं, शक्की हो जाते हैं, उनको लगता है कि लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, उनका बातें रिकॉर्ड की जा रही हैं, उनको लगता है कि लोग उनके बारे में ही फोकस कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं डिल्यूजनल डिसऑर्डर, या उनको शक सा रहता है। तो ये भी कुछ मरीजों में देखा गया है कैनबिस से शक की बीमारी बढ़ जाती है, या फिर हम साइकोटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। यदि साइकोटिक डिसऑर्डर बढ़ जाए, कुछ साथ ही साथ पेशेंट को कानों में आवाज़ें आए या कुछ दिखाई देने दे जो चीज़ असल में है नहीं, ऑडिटरी हेलुसिनेशन यानी, या फिर विजुअल हेलुसिनेशन हो, तो हम इसको लेबल करेंगे पेशेंट कुछ में, इसको स्किज़ोफ्रेनिया लेबल कर सकते हैं। फिर पेशेंट यदि ज़्यादा मात्रा में ले ले तो इंटॉक्सिकेशन हो सकता है,
एक्यूट कैनबिस इंटॉक्सिकेशन हो सकता है। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो लोग कैनबिस लेते हैं आप उनकी आंखों पे ज़रूर ध्यान दीजिए, उसमें लाली सी छा जाती है, उसको कहते हैं कंजेशन ऑफ आइज। और एक और चीज़ होता है, जो भी लोग कैनबिस लेते हैं वह उनकी एपेटाइट होती है वह बढ़ जाती है और उनका 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 वेट भी गेन हो जाता है। तो ये बेसिकली साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं। और जब कैनबिस लोग छोड़ते हैं तो उसमें ए मोटिवेशन सिंड्रोम होता है, जिसमें इंसान को कामकाज करने की बेसिक इच्छा ही नहीं रहती है, वो सिर्फ सोता है, खाता है और नशे की तरफ अपना ध्यान देता है। यदि किसी इंसान को कैनबिस ना मिले, कैनबिस विड्रॉल हो, तो उसमें उसको चिड़चिड़ापन होगा, नींद नहीं आएगी, गुस्सा चढ़ेगा, पूरे शरीर में बेचैनी रहेगी, उसका व्यवहार बदलेगा और वह कैनबिस की तरफ भागेगा। ये होते हैं कैनबिस के विड्रॉल के सिंड्रोम्स। तो ये बताओ कि जैसे किसी परिवार में बच्चा कैनबिस लेता है, जैसे मैंने कई बार देखा कि बच्चे चंडीगढ़ पढ़ते हैं, बेंगलोर या पुणा वगैरह किसी मेट्रो सिटीज़ में पढ़ते हैं, तो पेरेंट्स को लगता है कि उनका बिहेवियर चेंज हुआ, इरिटेबिलिटी होगी, पैसे खर्चते हैं, गुस्सा आता है, और अक्सर कॉलेज से कंप्लेंट आते हैं कि बच्चा कॉलेज में नहीं आता या पढ़ाई को मिस करता है। तो पेरेंट्स कहते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसा कोई तरीका है कि हम इसका जाँच करें, लेबॉरेटरी टेस्ट करें ताकि हमें पता चले कि बच्चा कैनबिस लेता है। जी हाँ, इसका पैथोलॉजिकल टेस्ट यूरिन में होता है, जो कि 2 से 4 हफ्ते तक यूरिन में आ सकता है और इसका टेस्ट संभव होता है। दूसरा डॉक्टर साहब, एक नया ट्रेंड जो है जो मेट्रो सिटीज़ में है, इवन पंजाब की कई सिटीज़ में है, कि कुछ लड़कियाँ भी जो हैं वो कैनबिस का इस्तेमाल करती हैं, तो आपका इसके बारे में क्या एक्सपीरियंस है? जी हाँ, ये जो एडिक्शन प्रॉब्लम है, चाहे वो अल्कोहल की हो, चाहे वो कैनबिस की हो, चाहे वो और भी नशीले पदार्थ हो, इसकी मात्रा डे बाय डे बढ़ती जा रही है, चाहे वो मेल्स हो या फीमेल्स हो। और पेशेंट्स में मोस्टली तो मैं कैनबिस फीमेल्स को कम ही देखी है, पर हाँ नशे की तरफ अल्कोहल फीमेल में ज़्यादा देखता जा रहा हूँ आजकल। दोस्तों, डॉक्टर साहब से हमने कैनबिस के बारे में डिस्कस किया भाई, कैनबिस क्या चीज़ होती है और कैनबिस के साइकेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। प्लस मैं अपनी तरफ से आपको शेयर करना चाहूँगा कि जो कैनबिस है ये इंडिया के अंदर नारकोटिक सब्सटेंस है, बैंड है, इसको रखना, बेचना, यूज़ करना जो है गैर कानूनी है और नारकोटिक एक्ट के अंदर आती है। तो फ्रेंड्स, तो आज का ये इंटरव्यू हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं और मुझे पूरी कॉन्फिडेंस है कि जो डॉक्टर साहब ने बातें बताई कैनबिस के बारे में, उसके बारे में आप सबकी जो नॉलेज है बहुत बड़ी होगी। थैंक यू डॉक्टर साहब, कुछ बात आप अपने दर्शकों को कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने अपने वीडियो राही कैनबिस के बारे में बताया, उसके साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के बारे में बताया। इसमें बताना चाहूँगा कि जो भी यदि कोई भी आपके आसपास लोग कैनबिस लेते हैं या कैनबिस के शिकार है, आप उनको नियर बाय कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट के पास दिखाएं और उनको ट्रीटमेंट कराएं, उसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। और मैं युवकों को भी ये यंग जो जनरेशन को देना चाहूँगा कि कैनबिस की तरफ ना भागे, बहुत सी चीज़ें होती हैं करने को, जैसे कि एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, एक अपना बैलेंस डाइट रखिए, जैसे कि हाई प्रोटीन डाइट हो जाए या कार्बोहाइड्रेट हो जाए, आप मिल्क वगैरह पे फोकस कीजिए। नशे से नुकसान ही होगा लॉन्ग टर्म में, यदि डिपेंडेंस हो जाए उसे कोई फायदा नहीं होता। शॉर्ट टर्म जरूर प्लेजरेबल इफेक्ट आता है, बहुत अच्छा लगता है, इंसान दूसरी दुनिया में चले जाता है, पर लॉन्ग टर्म देखा जाए तो उसका नुकसान ही है, आपको खुद नुकसान होता है, परिवार के लिए नुकसान होता है, इनफैक्ट सोसाइटी में इमेज खराब होती है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच।